हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन ट्यूब। मैं प्रियंक आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप एकदम नया यूट्यूबर है, अगर आप अभी चैनल स्टार्ट किया है और अगर आपका चैनल पे जो वीडियोस आपने अपलोड कर रहे हैं वहां पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, अगर आपका पास इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो फ्रेंड्स अगर आप अपलोड करने के बाद आपका वीडियोज पे व्यूज चाहते हैं तो आप कैसे पा सकते हैं, इस वीडियो पे मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूं। तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीडियो अपलोड करने के बाद आप जरूर व्यूज कलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा ऐसा सा वीडियो टिप्स को अगर मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वहां पे जरूर क्लिक कीजिए, और उसके साथ उसके पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है वहां पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि वहां पे क्लिक करने से मेरा अपकमिंग जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एकदम नया यूट्यूबर है, आपके पास इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद आपका वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन अगर वही वीडियो मतलब वही टॉपिक के ऊपर वीडियो कोई भी मतलब जो पुराना चैनल है जिसका चैनल बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है, जिसका पास बहुत सारा सब्सक्राइबर्स है, वो अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो वही टॉपिक पे आप अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं, लेकिन आपका वीडियोस पे नहीं आते हैं, तो ये क्यों होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी बिग यूट्यूबर एक टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके पास बहुत सारा सब्सक्राइबर्स है, इसके लिए वो सब्सक्राइबर्स वो वीडियो को देखते हैं, इसके लिए एक घंटा के दो घंटे के अंदर उस वीडियो पे बहुत सारा व्यूज आ जाते हैं। लेकिन जो नया यूट्यूबर है, जो एकदम नया नया स्टार्ट किया है, वही टॉपिक के ऊपर अगर वो वीडियो करते हैं तो उस वीडियो पे कोई भी व्यूज नहीं आते हैं, और वहां पे 10 व्यूज के 20 व्यूज के लिए आपको 2 दिन के 4 दिन के 1 वीक आपको वेट करना पड़ते हैं। तो इस हल को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो पे आपको 3 टिप्स देने वाला हूं। तो ये 3 टिप्स के अंदर जो मेन जो पहला जो टिप्स है वो है फ्रेंड्स, आपका वीडियो पे जो आपका मेटा डेटा सेक्शन होते हैं, मतलब आपका वीडियो का जो ऑप्टिमाइजेशन होते हैं उसको आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर करना है और एक्यूरेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीक पे मैं जब भी कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा था वहां पे मैं एक कमेंट्स का रिप्लाई दिया था, वहां पे मैं बताया था कि आपका वीडियो का जो ऑप्टिमाइजेशन सेक्शन है उसको बेहतर करना है। तो उस बंदे ने मेरे को फिर से पूछा कि सर, मैं जो ऑप्टिमाइजेशन है वीडियो ऑप्टिमाइजेशन तो ये क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो वीडियो ऑप्टिमाइजेशन होते हैं वो है फ्रेंड्स आपका वीडियो का जो मेटा डेटा सेक्शन होते हैं, जैसे कि टाइटल होते हैं, थंबनेल होते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन होते हैं, आपका टैग्स होते हैं, ये सब कुछ मिला के आपका वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है? तो आपका वीडियो का जो ऑप्टिमाइजेशन होते हैं उसको अगर आप ठीक तरह से करते हैं, अगर आप एकदम मतलब YouTube का रूल्स के हिसाब से, अगर आप YouTube का जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से अगर आप मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीडियो सर्च में आएगा और आपका वीडियोस पे व्यूज आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्टिमाइजेशन है, यहाँ पे पहले जो चीज होते हैं वो है फ्रेंड्स आपका वीडियो का टाइटल। तो टाइटल आपको ठीक तरह से आपको करना है, मतलब आपका जो कीवर्ड होते हैं, मेन कीवर्ड होते हैं आपका वीडियो का, मेन कीवर्ड मतलब आपका वीडियो कोई भी एक टॉपिक के ऊपर होगा शायद, तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक का जो मेन एक कीवर्ड होते हैं, जैसे कि ये जो वीडियो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बेस्ट 3 टिप्स टू गेट व्यूज, तो ये जो मैं मतलब टू गेट व्यूज एक आपका हाउ टू गेट व्यूज या आपका हाउ टू इंक्रीज व्यूज, ये जो कीवर्ड होते हैं, ठीक है, कि इंक्रीज व्यूज एक कीवर्ड है, ठीक है, इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब एक कीवर्ड है। तो ये जो कीवर्ड होते हैं ये है मेन कीवर्ड, तो इसको आपका जो टाइटल है, टाइटल सेक्शन है, इसमें आपको मतलब वहां पे सेट करना है। लेकिन अगर आप एकदम नए यूट्यूबर होते हैं तो आपको शायद पता नहीं है कि कौन सा कीवर्ड एकदम मतलब बेस्ट है, कौन सा कीवर्ड बहुत ही ज्यादा सर्च में आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा जो गूगल का जो है जो कीवर्ड वर्ड मास्टर टूल का जो कीवर्ड प्लानर होते हैं वो बहुत ही बेस्ट है, और वहां पे जाके आप वहां पे कीवर्ड सर्च करते हैं, आप आपका जो कीवर्ड है उसको वहां पे पुट कीजिए, वहां पे सर्च कीजिए, और वहां पे आपको बता देगा कि मतलब ये जो कीवर्ड है इसका रैंकिंग कितना हो रहे हैं, कितना सर्च हो रहे हैं, मतलब एक वीक में क्या, एक मंथ पे कितना सर्च हो रहे हैं, तो सब कुछ वहां पे आपको डिटेली बता देगा। और फ्रेंड्स, दूसरा एक वे है वो है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं तो इसके एक एक्सटेंशन आपको मिल जाते हैं, वो है फ्रेंड्स कीवर्ड सर्च। तो ये अगर आप एक्सटेंशन आपका ब्राउजर पे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद अगर गूगल पे जाके क्या कोई भी वेबसाइट पे जाके अगर आप कोई भी चीज को अगर टाइप करते हैं, कि यूट्यूब पे जाके भी अगर कोई भी चीज को अगर टाइप करते हैं, तो यहां पे आपको बता देगा कि ये जो कीवर्ड है ये कितने बार मतलब सर्चिंग में आ रहे हैं, इसका सीपीसी वैल्यू क्या है, तो सब कुछ आपको यहां पे बता देगा। इसके ऊपर आप कुछ हद तक डिपेंड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आप एकदम 100% डिपेंडेबल हो जाए इसके ऊपर। और उसके साथ साथ जो है वो है डिस्क्रिप्शन, आपका वीडियो का जो
डिस्क्रिप्शन सेक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन के लिए तो यूट्यूब बहुत ही ज्यादा जगह देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वहां पे सिर्फ पहला जो दो लाइन है वहां पे शो होते हैं। जब भी कोई भी अगर यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं तो वहां पे पहले दो लाइन ही वहां पे शो होते हैं, और डिस्क्रिप्शन का पहले वाला जो दो लाइन है वहां पे आपका अगर कीवर्ड आप रिपीटेडली यूज करते हैं, इवन आपका जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहां पे अगर आपका जो मेन कीवर्ड है आप रिपीटेडली अगर वहां पे यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीडियो सर्चिंग में आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरा है फ्रेंड्स टैग्स। देखिए फ्रेंड्स, टैग्स इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है नए यूट्यूबर के लिए। अगर आप पहले बार वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं वहां पे, तो टैग्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, जो बिग यूट्यूबर है वो अगर कोई भी टैग नहीं भी लिखते हैं तो उसका वीडियो अपलोड करने के बाद उसका सब्सक्राइबर के पास उसका वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं, और उसका जितना सारा सब्सक्राइबर्स है वो वीडियो देख लेते हैं, और उसका व्यूज और वॉच टाइम दोनों ही बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो नए यूट्यूबर है, नए यूट्यूबर का बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसका पास ना है सब्सक्राइबर्स ना है व्यूज, तो इसके लिए आपका वीडियो सर्चिंग में आना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए टैग्स वहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, और आपका वीडियो का जो टाइटल होते हैं वो आपका टैग्स पे जरूर वहाँ पे इंक्लूड कीजिए, और आपका जो मेन कीवर्ड है वो भी वहाँ पे इंक्लूड कीजिए। और उसके साथ साथ देखेंगे गूगल पे सर्च करने के बाद अगर कोई भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो एकदम बटन सेक्शन पे बहुत सारा रिलेटेड कीवर्ड्स वहां पे डाल देते हैं। इवन अगर आप यूट्यूब पे वो कीवर्ड सर्च करते हैं तो वहां पे ऑटो कॉम्प्लीटेड जो यूट्यूब का जो सर्चेस रिजल्ट है वो भी वहां पे आ जाते हैं, तो उसको आप टैग के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स दूसरा जो पॉइंट है वो है फ्रेंड्स सोशल जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे आपका वीडियो शेयर करना। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आप जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद यूट्यूब वहां पे आपका शेयर ऑप्शन वहां पे डाल देते हैं, और शेयर ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे बहुत सारा सोशल नेटवर्क का वहां पे आइकॉन वहां पे शो कर रहे हैं, बहुत सारा सोशल नेटवर्क जिसके बारे में पता भी नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा जिसके बारे में आपको पता नहीं है वहां पे भी आप जाइए, और वहां पे फ्री में रजिस्टर करना होते हैं वहां पे, तो वहां पे रजिस्टर कीजिए और आपका प्रोफाइल पे आपका वीडियो शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा बहुत सारा सोशल नेटवर्क है जहां पे आप अगर वीडियो अपलोड करते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो वहां पे अपलोड करने के मतलब शेयर करते हैं आपका वीडियो, तो शेयर करने के बाद वहां पे अगर एक माइनस से मतलब एक व्यू या दो व्यू अगर आ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है एकदम। मतलब पहले टाइम पे अगर आप जब भी आप एकदम स्टार्टिंग लेवल पे है, मतलब एकदम अभी स्टार्ट किया है आपका चैनल, तो वहां पे अगर कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वहां पे एक व्यू अगर वहां से भी आ जाते हैं तो भी बढ़िया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप जितना सारा सोशल नेटवर्क वहां पे ऑप्शन है, मतलब जो आइकॉन जितना सारा वहां पे है, ठीक है, वो सभी में रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के लिए एक दिन आपको लगेगा, मतलब एक दिन आप बैठेंगे और आप रजिस्टर करेंगे और वहां पे हो जाएगा आपका काम, और उसके बाद जब भी आप वीडियो अपलोड करने जाएंगे मतलब अपलोड करेंगे उसके बाद आप जितना सारा सोशल नेटवर्क है वहां पे सारी जगह पे आप शेयर कीजिए, तो इसमें आपका फायदा ही है। और फ्रेंड्स थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पे है वो है फ्रेंड्स वीडियो का थंबनेल। वीडियो का थंबनेल बहुत ही अच्छा करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं पिछले एक वीडियो पे भी मैं बताया था कि वीडियो का कस्टम जो थंबनेल होते हैं वो बहुत ही अच्छा आपको करना है, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो वीडियो का थंबनेल है वो अगर एक पैटर्न अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो वीडियो होगा वो रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ही सुविधा होगा, मतलब पब्लिक को, अगर आपका व्यूअर्स है वो अगर आपका कोई भी वीडियो एक बार देख लेते हैं उसके बाद अगर आपका वीडियो को दूसरे बार सजेस्टेड करते हैं यूट्यूब, तो आपका वीडियो को मतलब वीडियो का थंबनेल को देख के ही पता चल जाएगा वो हाँ ये तो वही चैनल का है, ठीक है। मतलब आपका चैनल का एक ब्रांडिंग थंबनेल होना चाहिए, एक ही पैटर्न का आपका थंबनेल रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो तीन टिप्स मैं आपको दिया उसके साथ साथ और भी कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ जो बोनस टिप्स है, वो है फ्रेंड्स आपका जो चैनल है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारा नया यूट्यूबर को देखा हूँ कि मैं मेरा जितना बहुत सारा सब्सक्राइबर्स है उसमें बहुत सारा लोगों का चैनल मैं देखा हूँ कि उसका जो होम पेज है, होम पेज में चैनल ट्रेलर नहीं लगाते हैं, होम पेज में जो कस्टम जो सेक्शन होते हैं वो सेक्शन नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हो भाई, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? फ्री में तो दे रहे हैं यूट्यूब, तो क्यों नहीं लगाते हो? वो लगाओ, ठीक है, सभी लोग लगाते हैं। देखिए जितना सारा बिग बिग जो यूट्यूबर्स है वो सभी लोग उसको यूज करते हैं। और अगर कोई भी इसका फायदा क्या है आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी जाके आपका चैनल को देखते हैं, आपका चैनल का जो मेन पेज है उसको विजिट करते हैं, होम पेज को, वहां पे जाके अगर देखते हैं कि दिस चैनल डज नॉट हैव एनी कंटेंट, तो कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे अगर आपका जो जितना सारा प्लेलिस्ट है, आप सोचिए कि आप 100 वीडियोस डाल दिया, आप 10 वीडियोस डाल दिया, क्या 50 वीडियोस डाल दिया आपने, ठीक है, तो आपका तो प्लेलिस्ट तो जरूर होगा आपका वीडियो पे। प्लेलिस्ट भी मेंटेन नहीं करते हैं बहुत सारा नया यूट्यूबर, क्यों नहीं मेंटेन करते हो पता नहीं है,
ठीक है, प्लेलिस्ट मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज अगर आप आपका वीडियोस को सेट करके रखते हो, ठीक है, अगर आपका कैटेगरी वाइज डिवाइडेड करते हो तो आपका वीडियो जब भी सर्चिंग होगा तो एल्गोरिथम के हिसाब से वो कैटेगरी वाइज चूज होते हैं और आपका वीडियो सजेस्टेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने तीन टिप्स आपको दिया प्लस एक बोनस टिप्स आपको दिया, ये जो चार चीज है इसको अगर आप मेंटेन करते हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका चैनल फास्टली ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपका मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपका साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।